गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजल व करम से आप खुशोखुरम होंगे और मेरी खुदा ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुशोखुरम रहें। दोस्तों, आज हम डॉक्टर रैक्विज के आर नंबर 11 के मुतल्लिक जानेंगे कि आर नंबर 11 किस मर्ज़ के लिए इंतहाई मौजू तरीन है और इसका तरीका इस्तेमाल जानेंगे कि आर नंबर 11 को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आर नंबर 11 लंबाजीन, इस मेडिसिन का नाम है लंबाजीन, गठिया के दर्द के लिए इंतहाई मौजू तरीन है। गठिया का दर्द नया या पुराना हो, अब इसकी हम अलामत जानेंगे कि कौन कौन सी अलामत हों तो ये मेडिसिन दी जा सकती है। ये सब कुछ जानने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारे इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। लंबाजीन गठिया के दर्द की दवा है और इसमें जो अज्जा या जो मेडिसिन शामिल है ये कम्बिनेशन है होम्योपैथिक का। डॉक्टर रैक्विज ने बहुत रिसर्च के बाद ये कम्बिनेशन तैयार किया है। रस्टाक्स, डलकामारा, नक्सबोमिका, कास्टिकम, बर्बेरस, कल्केरिया फास, रोडोडेंड्रान, ये मेडिसिन इस कम्बिनेशन में शामिल की गई हैं। अब इसके अलामात, नया और पुराना दर्द, पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द, जो इन तमाम दर्दों के बार बार हमले हों, मसलन हो जाए, दर्द स्टार्ट हो जाए, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाए, दोबारा फिर स्टार्ट हो जाए, सर्दी लगने, मोच आने या ज़्यादा मुशक्क़त मेहनत काम करने के बाद जिस्म के दर्द, पीठ का दर्द जिसकी कोई ज़ाहरी वजह मालूम ना हो, बच्चों में बालग होने की उम्र में जिस्मानी और हड्डियों का दर्द, सर्दी लगने या पानी में भीग जाने के बाद लंगड़ी का दर्द हो, और कुलनिसा जिसे कहते हैं, जोड़ों का पुराना दर्द, जोड़ों और एड़ी या रीढ़ की हड्डी और दूसरी हड्डियों की बदसूरती, एड़ी या दुमची की हड्डी का दर्द, जोड़ों, पट्ठों, हड्डियों की तमाम बीमारियों जो ख़ास तौर पर मौसम की तब्दीली और रतूबत में फ़र्क आने की वजह से होती हों, ऐसी तमाम बीमारियों में, ऐसे तमाम दर्दों में लंबाजीन R11 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब इसका तरीका इस्तेमाल, ये मेडिसिन ड्रॉप्स की शक्ल में मार्केट में अवेल है, जर्मन की मेडिसिन है। इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम। अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो तो 10 कतरे दो दो घंटे के बाद तकरीबन दिन में 5 से 6 खुराकें रिपीट की जा सकती हैं। जब दर्द में शिद्दत, दर्द की शिद्दत में कमी आ जाए तो यही मेडिसिन सुबह, दोपहर, शाम लगातार 2 से 3 महीने इस्तेमाल करवाएं, वो फजल खुदा पेशेंट ठीक हो जाएगा। गॉड ब्लेस टू ऑल।